हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमके में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, और वो अपडेट ये है कि छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वो अब नहीं आने की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको इस साल स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किन छात्रों को इस साल यानी कि इस मंथ में स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का और उसका रीज़न क्या है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है और आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस और यूपी स्कॉलरशिप दोनों ही लिंक पर क्लिक करके। यहाँ पर आप लोग स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अदर देन इंटर का स्टेटस देख सकेंगे, प्लस आप लोग यहाँ से अपना स्टेटस का प्रिंट भी ले सकते हैं जो कि आप कॉलेज में जमा करना होता है, ठीक है, अगर आपके कॉलेज वाले उसे मांग रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इन छात्रों को इस साल स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलने का, तो चलिए चलते हैं स्टेटस की तरफ, आपको लाइव स्टेटस दिखाते हैं और बताते हैं कि किन छात्रों को सेशन 2023-24 यानी कि जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है उसमें स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलने का। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये स्टेटस देख सकते हैं जो कि आज यानी कि 13 मार्च 2024 को अपडेट हुआ है, यानी कि आज ही के दिन ये स्टेटस अपडेट हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने आज ही इसको अपडेट किया और ये स्टेटस में भी अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर इनका साफ साफ रीज़न लिखा हुआ है कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि इनका जो फॉर्म है स्कॉलरशिप का वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, अभी यहाँ पर मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि इसका रीज़न क्या है, इसका कुछ सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो रीज़न है वो ये है, कोर्स डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि जो कोर्स था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट नहीं किए गए थे इंस्टीट्यूट द्वारा, और जो इंस्टीट्यूट गलती करता है उसका जो रीज़न होता है उसे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया, पहले तो अपना स्टेटस एक बार ज़रूर चेक करिए और जानिए कि आपका फॉर्म पेंडिंग में है, वेरीफाई है या फिर रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर इनका फॉर्म गलत तरीके से रिजेक्ट हुआ तो एक बार अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कर सकते हैं भाई कि हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया है, उसके बाद कुछ एक्शन हो सकता है या नहीं वो आपके कॉलेज वाले और समाज कल्याण विभाग वाले बता देंगे आपको, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। मगर यहाँ पर जैसा कि इसमें दे रखा है, कोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं सबमिट किए गए थे इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसकी वजह से इन छात्रों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए गए हैं। तो आप लोग अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लिए, जिन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं अगर वो जेन्युइन रीज़न की वजह से रिजेक्ट हुए हैं तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, उन छात्रों को पेमेंट नहीं मिलने का। बट अगर आपका फॉर्म किसी गलत वजह से रिजेक्ट हो गया, आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक था, तो आप लोग समाज कल्याण विभाग जाके अपना जो क्वेरीज हैं, अपने जो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है, उसको आप अपडेट करा सकते हैं अगर वो कर देते हैं, ठीक है, अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक है उस केस में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है जिनका फॉर्म वेरीफाई हो गया है उनका पेमेंट कब तक आएगा, उनका पेमेंट मंथ के एंड तक आ जाएगा। आप लोग उस रिक्वेस्ट की थोड़ा सा वेट करिए, पेमेंट की वीडियो अलग से आएंगी जब पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन छात्रों के फॉर्म पेंडिंग में है, अभी तक वेरीफाई नहीं हुए ना ही रिजेक्ट हुए, वो लोग अपने कॉलेज में तुरंत संपर्क करें और उनसे कहें कि जल्द से जल्द समाज कल्याण विभाग से कांटेक्ट करके हमारे फॉर्म को वेरीफाई कराएं, क्योंकि कॉलेज जो है वो समाज कल्याण विभाग के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, स्टूडेंट की बात इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती समाज कल्याण विभाग, बट जो कॉलेज होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, तो वो आपके फॉर्म वेरीफाई करा सकते हैं। तो यही आज की अपडेट थी, और अगर कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। Yeah.